वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वर्तिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर प्रीवियस वीडियो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट. एंड इट इज पार्ट ऑफ बॉटनी पेपर सेकेंड फॉर BSc सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड. एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी सिलेबस, बॉटनी पेपर सेकेंड इज हैविंग थर्ड यूनिट इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ. और इससे पहले के हमारे वीडियोस में हमने रूट के बारे में जनरल जानकारी ली थी और उसके बाद हमने रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर की कुछ इनिशियल बातें पढ़ी थी और अब इसके अंदर हम उसके आगे की बातें पढ़ते हैं. हमने इसे प्रीवियस की वीडियो में देखा था कि रूट को जब हम TS उसका ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसे तीन जोन्स में हम डिवाइड करते हैं. पहला एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दूसरा कॉर्टेक्स जो उसका मिडिल जोन है जो पैरेन्काइमा सेल्स का यूजुअली बना होता है, और तीसरा आता है वैस्कुलर सिस्टम. अब जो वैस्कुलर सिस्टम है उसकी जो बाउंड्री है वो उसमें हम दो लेयर्स को इंक्लूड करते हैं. उसमें पहली लेयर जो है एंडोडर्मिस है, उसके बाद वाली लेयर जो है वो पेरिसाइकिल है, और उसके बाद ट्रू वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो उपस्थित हो सकता है. तो एंडोडर्मिस की बात सबसे पहले करते हैं. और ये एंडोडर्मिस जो होती है ये वो लेयर है जो कि कॉर्टेक्स को यानी वलकुट को स्टील से रंभ से अलग करती है. क्लोजली पैक्ड लिविंग सेल्स की एक सिंगल लेयर के रूप में होती है, परंतु कभी कभी एंडोडर्मिस दो या दो से अधिक लेयर के रूप में भी हो सकती है. और मेन जो एंडोडर्मिस का कैरेक्टर है कि उसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं. ये जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं वो कोशिका की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर मिलती हैं, जहां पे हम देखते हैं कि उस पर कुछ लिग्निन का और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है. और ये जो डिपोजिशन है हम देखते हैं कि कुछ रूट्स जो जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है उसमें ये कॉर्टेक्स के साथ ही कास्ट ऑफ होती है, परंतु कुछ जड़ों में जिनमें प्राइमरी स्टेट में ही रहती हैं जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ पे ये सुबेरिन के लेमेगला जो होती है वो पूरी इनर वॉल एंडोडर्मल सेल की उसमें लगी हुई रहती है. और इसके अंदर ये भी है कि ये जो कुछ एंडोडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं जो कि प्रोटोजाइलम के बिल्कुल अपोजिट हैं वो थिन वॉल्ड ही रह जाती हैं, वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं डेवलप होती दिखती हैं. और उन थिन वॉल्ड सेल्स को हम पैसाज सेल्स कहते हैं या पात कोशिकाएं कहते हैं. और उन्हीं पात कोशिकाओं के द्वारा जो पानी का रेडियल डिफ्यूजन है वो मिट्टी से जाइलम से होता हुआ प्रोटोजाइलम से होता हुआ जाइलम सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है. और यूजुअली एंडोडर्मिस के कई फंक्शंस हैं, पर बेसिकली इसको मैकेनिकल प्रोटेक्टिव लेयर बताया गया है. एक यांत्रिक लेयर है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है. इसके साथ ही इसे इनर एक्सेसरी एपिडर्मिस कहते हैं जो कि स्टील को एक्चुअली कॉर्टेक्स से अलग कर रही है, तो इसलिए स्टील की एपिडर्मिस के रूप में भी इसको जाना जा सकता है. और ये वो लेयर है जो कि रूट प्रेशर से उसका कनेक्शन बना के रखती है. इसके साथ ही एक एयर डैम के रूप में क्या करती है वो कि वाटर कंडक्टिंग सेल्स जो होती हैं उसको हवा से बढ़ जाने से रोकने में भी हेल्प करती हैं. और इसके साथ ही एक बैरेज के रूप में भी काम करती है जो कि न्यूट्रिएंट्स का लीकेज जो है वो वैस्कुलर टिश्यूज से रोकती हैं और पानी का इनफ्लो रेगुलर करती हैं ताकि मिनरल्स के साथ में जो पानी अब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं वो सभी जो है कॉर्टेक्स से डायरेक्टली जाइलम एलिमेंट्स में जा सकें. तो ये एंडोडर्मिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कॉर्टेक्स को स्टील से अलग करती है. इसे इनर एक्सेसरी एपिडर्मिस भी हम कह सकते हैं. एंडोडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर अंदर आती है जो पेरिसाइकिल या परिरंभ के नाम से जानी जाती है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होती है और प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर बाउंड्री बनाती है. इसकी कोशिकाएं एंडोडर्मिस की तुलना में थोड़ी सकड़ी होती हैं और यूजुअली इनकी वॉल जो है वो थिन होती है. और ये कंप्लीट रिंग ऑफ सेल्स के रूप में भी मिलती है और कभी कभी इसकी कंटिन्यूटी इंटरप्ट होती है जाइलम एलिमेंट्स के सामने जहां साइप्रेसी और पोएसी फैमिली वहां पे, या पोटेमोजेनेटिसी फैमिली के अंदर वहां देखेंगे तो फ्लोएम एलिमेंट्स जहां जाएं वहां पे पेरिसाइकिल उसके अपोजिट नहीं मिलती है. और ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, एक कोशिकी होती है, कभी कभी एक लेयर से अधिक लेयर के रूप में मिलती है, परंतु मल्टी सीरेट थिक वॉल्ड पेरिसाइकिल भी मिलती है जैसे सेलिक्स में या स्माइलेक्स में. और कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर तो हम देखते हैं, या पेरासिटिक डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि पेरिसाइकिल ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है. और ये पेरिसाइकिल जो है इट डिफरेंशिएट्स क्वाइट अर्ली इन द हिस्टोजेनेसिस ऑफ द रूट और ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड से इसका डेवलपमेंट होता है. और ये जिन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है उनमें ये लेटरल रूट्स बनाने का काम करती हैं, परंतु जिन पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें ये कॉर्क कैम्बियम फेलोजन जिसे कहते हैं उसके साथ ही वेस्कुलर कैम्बियम के कुछ पोर्शन को डेवलप करने में भी हेल्प करती हैं. तो पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे मिलने वाली एक लेयर है. और उसके बाद आ जाता है वेस्कुलर सिस्टम.
तो डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट दोनों के वेस्कुलर सिस्टम में थोड़ा अंतर है। यूजुअली वेस्कुलर सिस्टम की अंदर हम जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं को रखते हैं, और जाइलम फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, और इनका डेवलपमेंट, इनका डिफरेंशिएशन प्रोकैम्बियम के सेल से होता है। यूजुअली एक्रोपिटल ऑर्डर में इनका डेवलपमेंट होता है। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं डाइकॉट पौधों की रूट में 2 से 6 तक हो सकते हैं, डाईआर्क से लेकर एग्जैक्ट कंडीशन हो सकती है। परंतु जो मोनोकॉट पौधे हैं, एक बीजपत्री पौधे जैसे कि जो भी पोएसी फैमिली के मेंबर हैं, गेहूं, चावल, मक्का, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल इनकी जड़ों में पॉलीआर्क होते हैं, यानी 6 से ज्यादा ही होते हैं। और जो खास बात है कि जड़ों के वेस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, अरीय होते हैं। इसका तात्पर्य मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। रेडियल वेस्कुलर सिस्टम का तात्पर्य है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग त्रिज्याओं पे मिलते हैं। इसके साथ ही वेस्कुलर मंडल में जो जाइलम मिलता है वो एक्सार्क प्रकार का होता है, बाह्य आदिदारुक होता है, अर्थात आदिदारु जो है प्रोटोजाइलम वो बाहर की ओर है, टुवर्ड्स पेरीफरी है। तो जब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफरी होता है तो उस प्रकार की जाइलम कंडीशन को हम एक्सार्क कहते हैं। और इसका जो जाइलम है यूजुअली 3 कंपोनेंट से बना होता है, वेसल्स वाहिकाएं, ट्रैकीट्स वाहिनिकाएं और जाइलम पेरेन्काइमा, अर्थात जाइलम फाइबर जड़ों के अंदर अनुपस्थित है। और फ्लोएम जो है वो भी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल्स जिसे हम सह कोशिकाएं कहते हैं, और फ्लोएम पेरेन्काइमा, यानी यहां भी फ्लोएम फाइबर्स की अनुपस्थिति है। तो वेस्कुलर सिस्टम यूजुअली रेडियल, एक्सार्क, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और डाइकॉट्स के अंदर डाईआर्क कंडीशन है, और मोनोकॉट के अंदर पॉलीआर्क कंडीशन मिलती है। और इसके बाद अगर पिथ उपस्थित है तो उसके अंदर पिथ जनरली सेंटर में होगा, और थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। मज्जा की कोशिकाएं हमेशा पेरेन्काइमा की मोस्टली होती हैं, जो पतली भित्ति का होता है। और डाइकॉट पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों के अंदर पिथ जनरली एब्सेंट होता है या बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है, परंतु मोनोकॉट प्लांट्स की जड़ों में पिथ वेल डेवलप्ड होता है। तो ये जो कुछ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी ताकि आप उसे अच्छे से याद रख सके। तो इस वीडियो में जो हमने बेसिकली देखा कि हमने एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये 2 लेयर्स के बारे में पढ़ा था, हमने कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा था, और वेस्कुलर टिश्यू और पिथ। तो ये टोटल मिलाकर के कंप्लीट रूट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बाहर से चलें तो एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल के रूप में, और अगर पिथ है तो वो सबसे सेंटर में होता है। तो इस वीडियो को बनाने में इस बुक की हेल्प ली गई है। थैंक यू वेरी मच।